ममलमणुभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मिणुमो सुद केवली भयवम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में आचार्य ने जैन धर्म के सिद्धांतों को अन्य धर्म के सिद्धांतों से टैली किया है और ये बताया है कि कौन सा सिद्धांत क्यों सच्चा है और कौन सा क्यों सच्चा नहीं है। कर्ता और कर्म के बारे में और भोक्ता के बारे में क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आज दो गाथाओं से कुछ स्पष्ट करेंगे आचार्य। आइए गाथा नंबर 351 देखते हैं। के हि चिदुपजये हि विणस्सदेणेव के हि चिदुजीवो जम्मा तम्मा कुवदी सोवा अण्णो वणेयन्तो बोलो। के हि चिदुपजये हि विणस्सदेणेव के हि चिदु जीवो जम्मा तम्मा कुवदि सोवा अण्णो वणेयन्तो। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। के हि चिदु कुछ, पज्यये हि पर्यायों से, विणस्सदे विनाश को प्राप्त होता है और लेव नहीं होता। के हि चिदु कुछ से, यह जीव जम्मा क्योंकि, क्या अर्थ लगाएंगे, क्योंकि कुछ पर्यायों से जीव विनाश को प्राप्त होता है और कुछ से नहीं होता। देखिए कैसे नीचे ऊपर कैसे अर्थ लगाना है। जम्मा माने क्योंकि जीव कुछ पर्यायों से विणस्सदे विनाश को प्राप्त होता है और कुछ पर्यायों से नहीं होता। तम्मा इसलिए, कुव्वदि कर्ता होता है, सो वा वह, अथवा अण्णो माने अन्य, वा न एयन्तो इसके बारे में एकांत नहीं है। अर्थात कुछ पर्याय तो नाश को प्राप्त होते हैं और कुछ पर्याय नाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वह जीव कर्ता होता है या अन्य का कर्ता होता है इसके बारे में एकांत नहीं है। इसमें शादवाद है, वह कुछ का कर्ता है कुछ का कर्ता नहीं है, क्योंकि जीव नामा पदार्थ अपनी कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है किंतु कितनी ही पर्यायों से वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए वह ही कर्ता होता है अथवा दूसरा कर्ता होता है इस विषय में एकांत नहीं है, शादवाद है। जो इस विषय में एकांत मानते हैं उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। जैन धर्म के अनुसार वह कर्ता है अथवा दूसरा कर्ता होता है इस विषय में एकांत नहीं है, क्योंकि शादवाद है। पंडित जी, द्रव्य किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र जी के दो सूत्र हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अर्थात जिसमें किन्हीं पर्यायों की उत्पत्ति हो, किसका दूसरी का विनाश हो, लेकिन जिसमें द्रव्यत्व हमेशा रहे, स्वयं की मौजूदगी हमेशा हो, उसे द्रव्य कहते हैं। ये सत की परिभाषा है
और सत ही द्रव्य का लक्षण है, इसलिए उत्पाद व द्रव्य तीनों वाला द्रव्य होता है। अब यहाँ चर्चा है जो कर्ता और कर्म की, जो कौन सा किसका कर्ता हुआ किसका कर्ता नहीं, इसके बारे में आगे की पंक्तियों में स्पष्ट किया है। लेकिन अगर इस परिभाषा को ध्यान में रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंडित जी, आत्मा की पर्यायों का नाश किस प्रकार से होता है? यह आत्मा कभी नारकी बनता है, कभी देव बनता है, कभी मनुष्य त्रेंचों में उत्पन्न होता है और वहाँ से हटके फिर दूसरी पर्यायों में जाता है। इसलिए पर्यायों का नाश, इस जीव की पर्यायों का नाश होता रहता है निरंतर, एक के बाद एक पर्याय। और फिर जिस पर्याय में रहता है उसमें भी प्रति समय इसकी अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय बनता रहता है। पहली एक समय वाली पर्याय नाश को प्राप्त होती है, उसी समय अगले समय उस दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। पंडित जी, जीव की किन पर्यायों का नाश नहीं होता? जैसे संसारी जीवों की अनादिकाल से हमारी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की पर्यायों का नाश नहीं है। हमारे गुण हैं, वे गुण हमेशा आत्मा में पाए जाते हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से रहित कोई जीव इस संसार में है ही नहीं, तो इन पर्यायों का नाश नहीं होता। लेकिन देवनार की आज पर्यायों का नाश होता है। पंडित जी, जीव का स्वरूप कैसा है? जीव पर्यायों की अपेक्षा अनित्य है, गुणों की अपेक्षा नित्य है। उसके जीवपने का कभी नाश नहीं होता, लेकिन उसकी पर्यायें निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए जीव का स्वभाव कैसा है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, पर उसका सर्वथा नाश कभी नहीं होता। जीव कभी नष्ट हो जाए, जीव कभी पुद्गल बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जीव का जीवत्व तो हमेशा रहता है। हाँ, उसकी पर्यायों में कुछ पर्यायों का नाश, कुछ पर्यायों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, पर उसके जो गुण हैं उनका नाश कभी नहीं होता। इसलिए गुणों की अपेक्षा नित्य है, पर्यायों की अपेक्षा अनित्य है। पंडित जी, क्या जीव के अलावा अन्य द्रव्यों का नाश होता है? वास्तविकता तो ये है, किसी द्रव्य का नाश नहीं होता। तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र दिया है, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं और अवस्थित हैं। इनकी संख्या में घटना बढ़ना नहीं होता। जितने जीव हैं उतने ही जीव रहेंगे, जितने पुद्गल हैं उतने ही पुद्गल रहेंगे, और नित्य माने जो हैं वो हमेशा पाए जाएंगे। दूसरे सूत्र में उन्होंने नित्य की परिभाषा दी, तद्भावाव्ययम् नित्यम्। जीव के भाव का, जीवपने का नाश नहीं होना ही नित्य है। कोई मनुष्य था, मर के देव बना, पर्याय ज़रूर उसकी बदल गई, लेकिन जो जीव था वो मनुष्य पर्याय में भी रहा और देव पर्याय में भी रहा। इसलिए उस जीव का कभी नाश नहीं होता। उनकी कुछ पर्यायों की उत्पत्ति होती है, कुछ का विनाश होता रहता है। पंडित जी, कर्ता की संबंध में सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, जो करने वाला है वही भोगने वाला हो भी, और जो करने वाला है वह भोगने वाला ना भी हो। मनुष्य पर्याय में उन्होंने कुछ कार्य किया, वो मनुष्य पर्याय ही उसकी भोगने वाली हो, ये आवश्यक नहीं। इस मनुष्य पर्याय में भी हम किन किन कर्मों को भोग रहे हैं, किन किन पर्यायों में हमने क्या क्या कार्य किए हैं, हम सब वो पर्याय अलग अलग और भोगना इस पर्याय में हो रहा है। हम अब अपने इस समय में प्रत्येक समय असंख्यात भवों में किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं। इसलिए जो करने वाला है वही भोगने वाला हो, एकांत नहीं। जो करने वाला है वो भोगने वाला नहीं हो, इस बारे में भी एकांत नहीं।
कथनचित करने वाला ही भोगने वाला हो और कथनचित ना भी हो, ऐसा शारवाद का सिद्धांत है। गाथा 351 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा सदा मिट रहा निज पर्ययों से, शोभे वही ध्रुव किनी ध्रुव सद्गुणों से, एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा, करता वही इतर पर्यय दृष्टि द्वारा। आत्मा सदा कुछ अपनी पर्यायों से मिट रहा है और कुछ अपने गुण उसकी पर्यायें हमेशा मौजूद भी रहती हैं, इस बारे में एकांत नहीं है अनेकांत है, और वह किन्हीं पर्यायों का जो उसने की है भोगने वाला है और किन्हीं का नहीं है, इस बारे में एकांत नहीं अनेकांत रखना है। अब गाथा नंबर 352 देखते हैं। के ही चिदुपजये ही, वेण सदेणे के ही चिदुजीवो, जम्मा तम्मा वेददि, सोवाणो वये यन्ने यन्तो, जये ही वीण सदेणेव के चिदु जीवो, जम्मा तम्मा वेददि सोवाणो वणे यन्तो। अर्थ पर दृष्टि डालिए। के ही चिदु माने कुछ किनी, पजये ही पर्यायों से वीण सदेव विनाश को प्राप्त होता है, अणेव नहीं होता, के ही चिदु कुछ से यह जीव, क्या अर्थ लगाना, यह जीव कुछ पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है और कुछ पर्यायों से विनाश को प्राप्त नहीं होता, जम्मा क्योंकि, तम्मा इसलिए, वेददि भोगता होता है, सोवा अन्नो वह अथवा अन्य, न एयंतो इस बारे में एकांत नहीं है, किसी पर्याय में किसी जीव ने कोई कार्य किया, अब वो उसका भोगने वाला होगा या नहीं इसके बारे में एकांत नहीं, जिस पर्याय में जो काम किया उसका फल भोगने वाला भी हो सकता है और जो कार्य किया उसका भोगने वाला ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य पर्याय में कार्य किया, मरने के बाद देव बना तो मनुष्य पर्याय में किया और भोगा देव पर्याय में, इसलिए एक तरह से इसमें एकांत नहीं, करने वाला अन्य भोगने वाला अन्य, लेकिन देखा जाए तो जीव तो वही है, जीव तो वही है, वही करने वाला और वही भोगने वाला है, तो जो करता है वो भोगता है या नहीं भोगता इसके बारे में एकांत नहीं, कथनचित करने वाला ही भोगता है, कथनचित करने वाला नहीं भोगता, इसमें शादवाद लगाना ही ठीक है, यही जैन सिद्धांत है। इसी प्रकार जब जीव कुछ पर्यायों से तो नष्ट होता है और कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जीव भोक्ता होता है अथवा दूसरा भोक्ता होता है, ऐसा भी एकांत नहीं है किंतु शादवाद है। कथनचित जो करे वो ही भोगे, कथनचित जो करे वो ना भोगे, करा किसी ने भोगा किसी ने, ऐसा भी होता है। पंडित जी, जो करता है वो भोक्ता कैसे नहीं होगा? इस पर्याय में आप बहुत से दुखों को भोग रहे हैं,
क्या इन दुखों के जो कारण हैं वो उसके करने वाले आप ही हो? नहीं, हमने पिछली पर्यायों में जो काम किए, विभिन्न पर्यायों में, देव पर्याय में, त्रिंश पर्याय में भोगने पड़ रहे हैं, मनुष्य पर्याय में। नियम क्या है कि हम प्रति समय असंख्यात भवों के बांधे हुए कर्मों को भोगते हैं, तो करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। इस बारे में एकांत नहीं, करने वाला वही हो और भोगने वाला भी वही हो, आयु लंबी हो और वही करे और वो ही भोगे, ये भी हो सकता है, और करने वाला कोई भोगने वाला कोई, ये भी हो सकता है। इसलिए इसको अनेकांत से मानना चाहिए। पंडित जी, इस संबंध में निश्चय ने से क्या माना जाए? निश्चय ने द्रव्य की बात करता है, तो निश्चय ने के अनुसार जो करने वाला है वो ही भोगने वाला होता है। इस जन्म में हो या अगले जन्म में, जीव तो वही है ना, तो निश्चय ने द्रव्य की बात करता है, पर्याय की बात नहीं। एक पर्याय में करे, अन्य पर्याय में भोग सकता है, ये व्यवहार ने की चर्चा है। निश्चय ने से तो जो करने वाला है वही भोगने वाला होगा, कोई दूसरा करे मैं भोगूं ये कभी नहीं होगा, मैं करूं दूसरा भोगे ये भी कभी नहीं होगा, मैंने किया है फल कौन भोगेगा, मैं ही भोगूंगा। पंडित जी, एकांतवादी इसमें क्या मानते हैं? अलग अलग धर्म हैं संसार में, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यता है। कोई तो ऐसा मानते हैं जो करता है वो ही भोगता होता है, एकांत। कोई ऐसा मानते हैं जो करता है वह भोगता नहीं होता, लेकिन उनके मत में दो धारणाएं नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ द्रव्य और पर्याय की चर्चा नहीं है। द्रव्य और पर्याय की चर्चा होती तब तो ये बात स्पष्ट होती। वो तो ये कहते हैं जो करता है वही भोगता होता है, इसको एकांत कहते हैं। जब वस्तु के एक धर्म को माने, एक को नहीं माने तो एकांत, और वस्तु के विभिन्न धर्मों को स्वीकार करें तो अनेकांत हैं। वस्तु के विभिन्न धर्मों को स्वीकार करने वाला तो एक जैन धर्म मात्र है, और उसका अनेकांत प्राण है, उसके बल पर ही जैन धर्म के सिद्धांत बनते हैं, बने हुए हैं, और उसी के अनुसार इसकी सिद्धि होती है। किन जीवों को इस जन्म में किए हुए फलों का फल इसी जन्म में मिलता है? जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके जितने कर्म बनते हैं ना, उनकी स्थिति अंतकोणा कोड़ी सागर होती है, और उसका आवाधा काल अंतर्मुहूर्त है। तो सम्यक दृष्टि जीवों को अमूमन इस भव में करते हैं, उसका भव कुछ अधिक जो करते हैं उनमें बहुत सौ का फल इसी भव में मिल जाता है, देखा भी जाता है। मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया, महान पुण्यार्जन किया, उसका फल तुरंत सामने आ गया। वादराज स्वामी ने एक ही भाव स्तोत्र बनाया, इस भव में बनाया, फल तुरंत सामने आ गया। लेकिन ये नियम नहीं, ऐसा भी हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, कोई कार्य करे और मरण को प्राप्त हो जाए तो उसका फल अगले भवों में भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिन जीवों के स्थिति कम बनती है कर्मों की, उनकी आवादा अंतर्मूर्त है, और वह फल कथनचित इस भव में करे इसी भव में भोगने को भी मिलता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, जीव की कुछ पर्यायें नष्ट होती हैं और कुछ पर्यायें उत्पन्न होती हैं। कुछ जीव के गुण ऐसे हैं जो नष्ट नहीं होते, उनकी पर्यायें बदलती रहती हैं। इसलिए इस भव में जो किए गए कार्य हैं उनका फल वही जीव भोगे, या इस कर्म इस भव में किए गए कार्यों को अगला जीव भोगे, पर्याय के अनुसार इसमें एकांत नहीं बनाना है। लेकिन एक द्रव्य के किए गए कार्यों का फल दूसरे द्रव्य को कभी नहीं भोगना है, इस बारे में धारणा पक्की बनानी है। जो करता है भोगने वाला वही है, इस भव में हो या अगले भव में हो। निश्चय ने यही तो कहता है, जो करेगा वो भोगेगा,
इस भव में भोगे या अगले भव में, पर्याय चाहे दूसरी हो, द्रव्य तो वही होगा। गाथा 352 का पद्यानुवाद। पर्याय से मिट रहा गुण से नहीं है, आत्मात्र काल ध्रुव भी रहता वही है, एकांत है नहीं वही ध्रुव भाव द्वारा, वो का निराक्षणिक पर यह भाव द्वारा। पहली पंक्ति कितनी स्पष्ट है, जीव आत्मा या द्रव्य पर्याय से मिटता है, गुण से नहीं मिटता। गुण तो उसके हमेशा रहते हैं, गुणों की पर्यायों का नाश उत्पाद होगा, लेकिन द्रव्य हमेशा रहेगा, गुण भी हमेशा रहेंगे, और आत्मा भी त्रिकाल ध्रुव भी रहता वही है, और आत्मा भी बदलता नहीं, जीव वही रहता है। बौद्ध कहते हैं कि अभी जो जीव द्रव्य है वो अगले क्षण में नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय के अनुसार जो पर्याय इस समय की है वो अगली पर्याय अगले क्षण में नहीं है, लेकिन जहाँ तक द्रव्य का सवाल है, द्रव्य तो जो है आगे भी वही है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या लिख रहे हैं, एकांत है नहीं वही ध्रुव भाव द्वारा, भोक्ता निराक्षणिक पर्याय भाव द्वारा, जो करने वाला है, क्योंकि जीव वही है इसलिए वही भोक्ता होता है, इस बारे में एकांत नहीं अनेकांत की मान्यता बनानी चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेनू कासलीवाल नई दिल्ली, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली चांदनी चौक दिल्ली, शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शचि जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B नवीन नगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश, श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद,